डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी फिर से तैयार हो जाएं। हमें उम्मीद है कि ये एक साथ आपको इंटरटेन करेगा, साथ ही आपकी परीक्षाएं लेगा। इंटरटेनमेंट इस संदर्भ में कि जब आप क्वेश्चन सही सही हल करते हैं तो आप आनंदित होते हैं, और जब प्रश्नों में गहराई होती है तो ये आपका टेस्ट लेता है। उम्मीद है कि दोनों कार्य होगा एक साथ। हालांकि ये भी हमें पता है कि काफ़ी लोग अच्छे स्कोरर हैं, अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं, साथ ही काफ़ी लोग काफ़ी लेबोरियस हैं। उम्मीद है कि दोनों वर्ग इस टेस्ट से संतुष्ट होगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो तैयार हो जाएं एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती हैं, अपोजिट डायरेक्शन से ठंडी और गर्म हवाएं, तब किस प्रकार की वर्षा होती है? सोच ले, ये टॉपिक हम लोगों ने किया है, ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोनिक रेनफॉल। वर्षा हम लोगों ने किया था, उम्मीद है कि आपने किया होगा इसे। तो आप इसे समझ ले, ठंडी हवाएं ऊपर आ जाती हैं, गर्म हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, और इस तरह से एक विशेष प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है जो साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन एक मैचिंग है। आपको बताना है कि इंडस साइट्स, इंडस सिविलाइजेशन में जो कुछ वस्तुएं प्रोडक्ट्स मंगाई जाती थी, जिनका व्यापार होता था, ये कहां से होता था? तो आप मैच करके देखकर सही मैच लगाएं और इसके आंसर निकालें, ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का दो, राजस्थान, शंख कच्छ से, लाजवर्द अफगानिस्तान से। यहां ध्यान रखें, लूसेंट में यह दिया हुआ है मेसोपोटामिया, तो यह सही नहीं है। दरअसल ये अफगानिस्तान से आता था लाजवर्द, यानी लैपिस लेजुली, और डी सोना दक्कन से, कोलार माइन से, कर्नाटक से आता था। आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरोहित में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, इंस्पेक्शन करता था? जब यज्ञ हो रहा होता था तो ये एक इंस्पेक्टर के तौर पर सही सही मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं या नहीं, ठीक ढंग से यज्ञ संपादित हो रहा है कि नहीं, इसका इंस्पेक्शन करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा यज्ञों के संपादन में मुख्य भूमिका निभाते थे और इंस्पेक्टर के तौर पर होते थे। चौथा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिडेनहैम ने लिखा कि वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं? सोच लें, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मराठे। मराठे आप जानते हैं कि गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, तो इस इनके बारे में ये कथन देखने को मिलता है। आज का पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग के लिए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माफ करें, इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आज का छठा क्वेश्चन, ये एक रीजनिंग है, बीच बीच में इस तरह के प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि इस रीजनिंग के प्रश्न पांच, संभव है कि पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीपीएससी में। तो आज के इस रीजनिंग के प्रश्न को आप बनाएं, एक सीरीज दिया गया है, इसमें अगला नेक्स्ट जो पद होगा, जो ग्रुप होगा, वो कौन सा होगा आपको बताना है। आप इसमें टाइम ले लें, पॉज करके 2-3 मिनट ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस बी एल। आप देख लें, इसमें एक सीरीज आपको मिलता है, यह आंसर बी से मैच करता है। आज का सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद धारण नहीं करता, नन, इसमें कौन नहीं है, यह देखना है। देखिए, इस ऑप्शन में पांचवा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, मिस्टर केनली, तो आप चार ऑप्शन, इसमें आसान हो गया, इसमें आप चार ऑप्शन में ही आप आंसर निकालें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, चूंकि ये कॉलेजियम से चुने जाते हैं। आज का आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोग, डिजीज, दूषित पानी पीने से नहीं होता? गंदे पानी पीने से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेंगू।
डेंगू मच्छर के काटने से होता है। आज का नवा प्रश्न, 1907 में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता यानी चेयरमैनशिप किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस का यह अधिवेशन, तो इसकी घटनाक्रम को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रास बिहारी घोष। इसी सम्मेलन में, अधिवेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ गरम दल और नरम दल में। तो आज का दसवां प्रश्न, जब दो विपरीत स्वभाव, दसवां प्रश्न, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी फिशरीज एरिया कहां पाए जाते हैं? यह हम लोगों ने हाइड्रोस्फेयर किया है, उसी से यह टॉपिक लिया गया है ये क्वेश्चन। जो फिश है बड़ी संख्या में, ये कहां पे पाए जाते हैं? इन ऑप्शंस में से एक आपको पांच में से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दरअसल अर्थ से अंदर जैसे जैसे आप सी में जाएंगे, ये चार लेयर्स आपको मिलेंगे गहराई के हिसाब से, ए बी सी डी, ये चारों क्रम से लेयर मिलेंगे। ओशन डीप्स जो होते हैं वो सबसे डीपेस्ट होते हैं, चैलेंजर हम जानते हैं द्वीप सबसे गहरा है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे ऊपरी, समुद्र का सबसे ऊपरी लेयर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। आज का 11वां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन का बढ़ते हुए अनुभार के आधार पर कौन सा सही क्रम है? मॉलिकुलर वेट ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स, इनका सही आपको सीरीज बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन, हेप्टेन ऑक्टेन नॉन इंडिकेन। तो ये क्रम है, इसे हमें सबको याद रखना चाहिए। 12वां प्रश्न, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स की शुरुआत किस बजट से की गई थी? सर्विस टैक्स किस बजट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1994-95 में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आज का 13वां क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में किस लोक नाट्य परंपरा को रिवाइव किया था? नाटक, लोक नाटक यानी प्ले, रासलीला, विद्यापत, नौटंकी, जात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जात्रा। जात्रा आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख वैष्णव संत थे और इन्होंने दरअसल राधा कृष्ण की लीला पर ये नाटक, ये लोग जब रास्ते में चलते थे तो गाते थे, बजाते थे, और इस तरह से ये जात्रा एक नाट्य परंपरा, लोक नाट्य परंपरा चल पड़ी। 14वां प्रश्न, भारत में कौन कानूनों को बनाता है, हु इज द लॉ मेकर? इस पे काफी विवाद होगा, सोच लें, इस पे काफी मंथन की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कुछ लोग आवाजें उठाएंगे, इसका जवाब भी दिया जाएगा। आज का 15वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारी जल यानी हेवी वाटर किसके लिए सही नहीं होता? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, सिंचाई के लिए, इनमें से कौन कथन सही है, यानी ये किसके लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4, न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़कर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूज ही होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, बाकी सब में ये भारी जल प्रयोग नहीं होता। आज का 16वां प्रश्न, बरखान निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, लैंडफॉर्म है? बरखान, खास तरह की आकृतियां बन जाती हैं, तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, इसे हम लोगों ने टॉपिक में लिया था, उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, बरखान। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर, बी वायु। बरखान, यारडांग, ज्यूगेन, ये सब वायु के द्वारा, हवाओं के द्वारा निर्मित हैं, जहाँ पर कुछ टीले बन जाते हैं या कोई गड्ढा बन जाता है या कोई ख़ास आकृति बन जाती है, तो ये लैंड फॉर्म दरअसल हवा, पानी और जल के द्वारा बनता है। आज का 17वां प्रश्न, हवा किसका उदाहरण है, एयर, तत्यौगिक मिश्रण, उर्दुपात्र या फिर इनमें से कोई नहीं, सोच लें।
तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण। एयर एक मिश्रण है, मिश्रण को जब हम अलग करेंगे तो सही अनुपात में जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अलग नहीं होते। तो एयर में ढेर सारे गैसों का एक साथ मिश्रण है इम्प्रोपोर्शनेटली। आज का 18वां प्रश्न, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है, हाईएस्ट रोड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा खारदुल लेह। लेह में ये सबसे हाईएस्ट सड़क है खारदुल और लेह के बीच। 19वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर से ऊपर हमारा लेह है। आज का 19वां प्रश्न, सौर मंडल के ग्रहों में वह ग्रह, वह प्लैनेट जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सा ग्रह आपको बताना है जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, 5वां ऑप्शन, चूंकि वीनस और यूरेनस दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम। रेस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। आज का 20वां प्रश्न, निम्नलिखित तो वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे विचार कीजिए और उनका सही क्रम बताइए, उनकी स्थापना से लेकर। इनकी स्थापना वर्ष यानी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इनका क्रम आपको टॉप टू बॉटम बताना है। सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4-1-2-3। चूंकि IFCI 1948, उसके बाद IDBI 1964, उसके बाद नाबार्ड 82 और SIDBI 1990। तो ये क्रम आपको हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया है, उम्मीद है कि आपने किया होगा। 11वां प्रश्न, लॉर्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल किस तरह समाप्त हुआ, किस तरह से कर्जन का कार्यकाल एंड हुआ। सारे ऑप्शन सब देख लें ठीक से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्याग पत्र देने से। एक विवाद हो गया था चीफ जो आर्मी ऑफिसर थे उनको लेकर, और इस कारण से ये क्षुब्ध हो गया और त्याग पत्र देकर लंदन वापस चला गया। 22वां प्रश्न, किस लोकसभा में किसी भी दल को 1/10 सीटें नहीं मिलने के कारण लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली रह गया। आप जान लें कि संसद में विपक्षी दल का नेता चुना जाता है दोनों ही सदनों में, लेकिन ये नेता तब चुना जाएगा जब ये 1/10 सीटें ऑफ द पार्लियामेंट आपको लाने होते हैं। तो ये कौन सी लोकसभा है जिसमें ऐसा नहीं हो पाया, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं लोकसभा, 14th, यानी रिसेंट जो लोकसभा चल रही है। आज का 23वां प्रश्न, विरंजक चून ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। हम लोगों ने लिया है केमिकल फॉर्मूला, उम्मीद है कि ये एक लोकप्रिय है, पॉपुलर है ब्लीचिंग पाउडर, इसे हमें जानना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCaOCl2। आज का 24वां प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत तबकात नासिरी के रचनाकार का नाम क्या है, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनहाज सिराज। ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, हमें इस तरह की रचनाओं के नाम ध्यान में रखने चाहिए। 27वां प्रश्न, भारत, अब यहां से करंट आपका चलेगा, भारत और अमेरिका की पहली 2+2 वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, फर्स्ट 2+2 डायलॉग चला है तो इसमें कौन पार्टिसिपेंट्स थे भारत की तरफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। आज का 28वां क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी नई तालीम किसकी शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ये अभी सितंबर में इंट्रोड्यूस हुआ है, 5 सितंबर को नई तालीम, ये किसके एजुकेशन पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा, उसी को नई तालीम कहा जाता है, उसे वे नई तालीम कहते थे। तो इसी पर बेस्ड, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ और इस तरह के मामले को इस शिक्षा में जोड़ने की नीति अपनाई गई है, HRD मिनिस्ट्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। आज का 29वां प्रश्न, लखवाड़ बांध परियोजना यानी लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट, जिस पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है, ये कहाँ स्थित है? ये डैम 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सिग्नेचर किया है, MOU साइन हुआ है, सहमति पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, देहरादून में ये परियोजना की का उद्घाटन किया गया है। इसे यमुना रिवर में पानी का रिस्टोरेशन बढ़ेगा, साथ ही जल विद्युत परियोजना के लिए भी इसका प्रयोग होगा। तो लखवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। 30वां और अंतिम प्रश्न, सागरमाला फ्रेंडशिप 2 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? सागरमाला फ्रेंडशिप 2 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच? सोच के जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना और नेपाल। चाइना और नेपाल के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, उसे फ्रेंडशिप एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हुआ और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक क्वेश्चन दरअसल कम हो गया, इसमें 29 क्वेश्चन ही हुआ है, करंट का एक क्वेश्चन कम रहा है। तो यहीं पर आज का ये पूरा सीरीज रुकेगा, जल्द ही आपके 10 टॉपिक्स कल दोपहर तक या शाम तक आ जाएंगे या उससे भी पहले। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।